सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की छलक रोशनी फर्श पर बिखरे मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित दृष्टि बाधित महिला डॉक्टर श्रुति होरा चंडीगढ़, आपने दिव्यांगता को चुनौती देते हुए म्यूजिक में एमए तबला में संगीत भूषण पूर्ण किया। पीएचडी करके आप एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आपकी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित दृष्टि बाधित पुरुष श्री एन के चौकलिंगम चेन्नई तमिलनाडु, आप जन्म से ही 100% दृष्टि बाधित हैं। आपने उच्च स्तर शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की। आप स्कूल शिक्षा विभाग तमिलनाडु में शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन समयबद्धता से कर रहे हैं, नियमितता से कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित निम्न दृष्टि पुरुष श्री आर बिजुमोन इडुकी जिला केरला। श्री बिजुमोन के लिए समाज सेवा एक जुनून है। इन्होंने आवधिक रूप से बीमार लोगों की सहायता और भलाई को विस्तार देने के लिए अनिवासी केरल के विभिन्न कल्याणकारी संगठनों की विभिन्न सरकारी परियोजनाओं का समन्वय किया। आपको बहुत बहुत बधाई। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित कुष्ठ उपचारित पुरुष श्री अरोकिया रायन कांचीपुरम जिला तमिलनाडु। आप कुष्ठ रोग से उभरने के बाद एक लॉन्ड्री सेवा चलाते हुए एक स्वनियोजित व्यक्ति हैं। आप अच्छी आय कमाते हैं। अपने आत्मगौरव के लिए आपने कभी भी कोई ऋण नहीं लिया। आपका मानना है कि आप 3 दशकों से स्वयं की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित श्रवण बाधित महिला श्रीमती प्रियंका सैनी चंडीगढ़, आप उस न्यास के अनुदेशक हैं जो दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करता है। बधिरों के लिए फाइन आर्ट्स में 4 वर्ष का विशिष्ट डिप्लोमा, 2 वर्ष का अग्रिम डिप्लोमा दोनों ही उत्तम प्रकार से आपने प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाई आपको। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित श्रवण बाधित पुरुष श्री राकेश अग्रवाल फरीदाबाद हरियाणा। श्री राकेश अग्रवाल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। गंभीर श्रवण बाधिता उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने से रोक नहीं सका। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित चलंत दिव्यांगता महिला सुश्री चुमकी दत्ता भुवनेश्वर उड़ीसा। आपको दोनों निचले अंगों में 90% दिव्यांगता के साथ पैराप्लेगिया है। आप विज्ञापन और डिजाइनिंग एजेंसी की मुख्य उद्यमी हैं। अनेक कल्याण योजनाओं एवं अभियानों में शामिल सुश्री चुमकी दत्ता दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित चलन दिव्यांगता पुरुष श्री विजय कुमार राजसोनी प्रतापगढ़ राजस्थान। श्री विजय कुमार राजसोनी विश्व प्रसिद्ध थीबा कला आभूषण निर्माण के विशेषज्ञ हैं, जिसका इतिहास 400 साल पुराना है। 25 रंगों में ज्योमेट्रिक कार्य में आप पूर्णतया दक्ष हैं। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित चलन दिव्यांगता पुरुष श्री समीर सुरेंद्र कुमार कक्कड़ अहमदाबाद गुजरात। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं। आपको चिकित्सा कृषि ऑटोमोबाइल आर्किटेक्चर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन ऑडियो वीडियो फोटोकॉपियर मोबाइल मार्केटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेट बैंकिंग में दक्षता हासिल है। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित प्रमस्तिष्क अंगघात पुरुष श्री रोहित जैन जयपुर राजस्थान। सीमित गति आपके आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय को प्रभावित नहीं कर सके। आप कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री धारक बने। आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी डॉशे बैंक में वरिष्ठ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित मानसिक मंदता पुरुष श्री छतराजू श्री कृष्ण करीमनगर तेलंगाना। आप स्वनियोजित हैं। आपने पेपर मेकिंग में कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर
करने के पश्चात अपनी स्वयं की पेपर मेकिंग निर्माण यूनिट भी स्थापित की। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित मानसिक मंदता महिला सुश्री के वी शीशाहा कोंगराडीपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। आपको 100% मल्टीपल दिव्यांगता है। आपने वित्तीय एवं निवेश क्षेत्र में जूनियर ऑफिसर के तौर पर कार्य किया। सामूहिक परिस्थितियों में कार्य करने की योग्यता से कठिन समय सीमाओं का अनुपालन करके सशक्त कार्यबल और शीघ्र ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में आपको ख्याति अर्जित है। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मानसिक मंदता महिला सुश्री यास्मीन मंसूरी छतरपुर एनक्लेव नई दिल्ली। आप सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं। एसिड अटैक के पश्चात मल्टीपल डिसेबिलिटी के बावजूद आप कला स्नातक नर्सिंग और मिडवाइफरी और मल्टीमीडिया में डिप्लोमा धारक हैं। आप रिकंस्ट्रक्टिव मेकअप में भी एक्सपर्ट हैं। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता निजी एवं गैर सरकारी संगठन अपना स्वीट्स इंदौर मध्य प्रदेश श्री प्रकाश राठौर प्रोप्राइटर। अपना स्वीट्स में दृष्टि श्रवण गति विषय दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता निजी एवं गैर सरकारी संगठन मैसर्स आरबीएन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर कर्नाटक। श्री रितेश रजानी इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। आईबीएम सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत है। आईबीएम ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं बल्कि अपने व्यवसाय की अनिवार्यता के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों को नियुक्त किया है। सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी निजी गैर सरकारी संगठन एवं अधिकारी यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती मीरा शिनॉय फाउंडर और सीईओ इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। ये ऐसा संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों पर केंद्रित दिव्यांग युवाओं को रोजगार संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये इंक्लूसिव वर्कफोर्स तैयार करने में कंपनियों की मदद भी करता है। सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी निजी गैर सरकारी संगठन एवं अधिकारी सुश्री ज्योति देवनाथ फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड हैदराबाद तेलंगाना। डॉक्टर के साई बाबा गौड फाउंडर चेयरमैन उनके बिहाफ पर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। देवनाथ फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड हैदराबाद की ट्रस्टी और करस्पॉन्डेंट ज्योति ने अपने अनवरत प्रयासों से दृष्टिबाधितों को प्रशिक्षित किया। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत श्रीमती सुकेशी बरोई जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल। आप आशा भवन केंद्र की संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी हैं। आपने अपना जीवन शोषित सीमावर्ती समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांग तथा व्यथित बच्चों की सहायता को समर्पित किया। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत डॉक्टर टी एस चंद्रशेखर चेन्नई तमिलनाडु। आप अल्प सुविधा प्राप्त गरीब शारीरिक रूप से अक्षम असहाय विधवा एवं जनजातियों को मेडिको सोशल कार्य उपलब्ध कराते हैं। आपने दिव्यांग जनों के लाभार्थ परियोजनाओं की परिकल्पना की और उसे मूर्त रूप भी दिया। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत डॉक्टर राम किशन गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश। आप सामाजिक रूप से पिछड़े और गरीब दिव्यांग जनों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न सामाजिक कल्याण संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कूल चला रहे हैं। देश के अंशदायी नागरिक बनने में उनकी मदद भी करते हैं। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान दिव्यांग जनों को समग्र व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन दिव्यांग जनों के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर ईटीसी नवी मुंबई नगर निगम डॉक्टर रामास्वामी एम इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। ये ऐसा कॉरपोरेशन है देश का जहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए स्वतंत्र विभाग कार्यरत है।
दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान दिव्यांगजनों को समग्र व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड श्री महंतेश फाउंडर इसे ग्रहण कर रहे हैं। ये बैंगलोर कर्नाटक में है। समर्थनम के मुख्य कार्यकलापों में दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। उसमें बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान दिव्यांगजनों को समग्र व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन सिक्किम विकलांग सहायता समिति सिक्किम गंगचोक सिक्किम श्रीमती सावित्री हमाल इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। इसकी मुख्य गतिविधियों में दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग प्रदान करना है, आजीविका के लिए सक्षम बनाना है, समर्थ बनाना है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान दिव्यांगजनों को समग्र व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन चिन्मया ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश डॉक्टर नरेंद्र पाल इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। ये संस्थान दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान दिव्यांगजनों को समग्र व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड मैंगलोर कर्नाटका। ये संस्थान समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम संचालित करता है, दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करता है। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। रोल मॉडल के रूप में दृष्टिहीन और निम्न दृष्टि महिला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है सुश्री चिटनी ब्रॉड ने, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला से हैं। आप 100% विजुअली इंपेयर्ड हैं। आप ज्योतिर्मय फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर हैं, जो कंप्यूटर एक्सेस टेक्नोलॉजी मोबिलिटी कम्युनिकेटिव इंग्लिश पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। 5 भाषाओं में आप प्रवीण हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला जी, मंच पर विराजमान अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों तथा मेरे सभी दिव्यांग भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करना मेरे लिए खुशी का अवसर है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया यह पुरस्कार सचमुच में एक सराहनीय कदम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मुझे प्रसन्नता है कि यह पुरस्कार 14 विभिन्न श्रेणियों के उन व्यक्तियों, संगठनों और राज्य विशेष को दिए जा रहे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। दिव्यांगता मानव जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसका हम में से किसी को भी अपने जीवन काल में कभी भी सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि सर्वविदित है, केंद्र व राज्य सरकारें सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दिव्यांग जनों के दैनिक जीवन की जरूरत के अनुसार नई नई सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इस कड़ी में सार्वजनिक भवनों, पर्यटक स्थलों एवं परिवहन को दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाना एक अत्यंत प्रशंसनीय पहल है। यह खुशी की बात है कि ये सुविधाएं दिव्यांगजनों के साथ साथ वृद्ध नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में भी अपना योगदान देती हैं। देश का भविष्य देश के नागरिकों के सशक्तिकरण पर निर्भर होता है।
सबका साथ सबका विकास की हमारी धारणा और परिकल्पना में हमें इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना होगा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। इस लक्ष्य के लिए हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो पूरी तरह संवेदनशील हो और जहां समरसता का प्रवाह हो। एक ऐसा समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सशक्त महसूस कर सके। एक ऐसा समाज जहां किसी एक का दर्द या पीड़ा सबको समान रूप से महसूस हो। यह संवेदनशीलता एवं अपनापन देश और समाज को और मजबूत बनाएगा। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों को जो आधुनिक उपकरण दिए जाते हैं वे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं बल्कि इससे समाज में एक सकारात्मक जागरूकता फैलती है। मुझे बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 8 लाख दिव्यांगजनों की मदद हुई है। भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक रूप से सक्षम होना उसके जीवन को बेहतर बनाता है। इसलिए दिव्यांगजनों के लिए रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण कदम है और इस दिशा में दिव्यांग भाई बहनों के लिए हमारी शासकीय प्रणाली में आरक्षण की आदर्श व्यवस्था की गई है। मुझे खुशी है कि दिव्यांगों के लिए रिक्त पड़े पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जा रही हैं। यह नए भारत की नई सोच को दर्शाता है। आज दिव्यांग कलेक्टर, इंजीनियर, डिप्लोमेट्स, डॉक्टर्स और वैज्ञानिक बनकर देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा कौशल विकास की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 2022 तक 25 लाख दिव्यांग जनों को रोजगार प्रदान करने की योजना एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। मैं सभी सरकारी और निजी उद्यमों से ये अपेक्षा करता हूं कि वो इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मुझे लगता है कि हमें एक और पहलू पर नजर डालनी चाहिए। यदि हमारा ध्यान शिशु काल में ही सावधानियों और उचित इलाज पर हो और सही समय पर टीकाकरण, सही पोषण, स्वच्छता और मातृत्व देखभाल पर ध्यान दिया जाए तो दिव्यांगता में कमी लाना संभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने के पीछे कुछ उद्देश्य है। दिव्यांगता संबंधी मुद्दों की लोगों में समझ बढ़े एवं दिव्यांग जनों को सशक्त करने के ठोस प्रयास किए जाएं ताकि वे गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें और जीवन के बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो। हमें विशाल हृदय के साथ अपने दिव्यांग भाई बहनों के उत्थान के लिए आगे आना होगा। दिव्यांग जन भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके विकास के बिना समाज का विकास अधूरा है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा संविधान दिव्यांग जनों सहित सभी देशवासियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा की गारंटी देता है। सरकार ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में उनके समावेशन के लिए कानून बनाए हैं। भारत सरकार ने दिव्यांग जनों के अधिकारों पर, जिसका उल्लेख अभी हमारे मंत्री जी भी कर रहे थे, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया है। यह नया अधिनियम दिव्यांग जनों को समावेशी और सक्षम बनाने वाले वातावरण के लक्ष्य के साथ उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करता है। दिव्यांग जनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशील राष्ट्र ने दिव्यांगताओं की श्रेणी में भी बढ़ोतरी करते हुए इसे 7 श्रेणी से बढ़ाकर 21 श्रेणी कर दिया है। सरकार का यह फैसला अत्यंत सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि इस पहल से ज्यादा दिव्यांग जनों का जीवन बेहतर एवं सम्मानजनक होगा।
सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुसार उनके लिए अध्ययन सामग्री, शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दिव्यांग छात्रों की जरूरतों का पता लगाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे अध्यापक गण इन बच्चों की जरूरतों को समझ सके और हर दिव्यांग बच्चा स्वयं को और भी अपने को सक्षम बना सके। यह हर्ष का विषय है कि लगातार दूसरे वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के सहयोग से बौद्धिक, शारीरिक, श्रवण और दृष्टि संबंधी दिव्यांगताओं वाले युवाओं के बीच एक राष्ट्रीय आईटी प्रतियोगिता आयोजित की है। ये अत्यंत खुशी की बात है कि इसमें नामित प्रतिभागियों ने वियतनाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत श्रेणी में भारत को 3 पदक दिए। मैं राज्य स्तर पर युवा दिव्यांगजनों के बीच आईटी कौशल को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करने की अपेक्षा करता हूं। ब्रिटेन के निवासी स्टीफन हॉकिंस का नाम दिव्यांगता के क्षेत्र में एक प्रचलित नाम है, जो अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद आज विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। हॉकिंस के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में भरपूर योगदान दिया। हॉकिंस ने एक बार बताया कि उनकी बीमारी ने ही उन्हें वैज्ञानिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। बीमारी से पहले वे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बीमारी के दौरान उन्हें लगने लगा कि वे अब जिंदा नहीं रहने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान रिसर्च पर लगा दिया। आपने अष्टावक्र ऋषि के बारे में भी सुना होगा। अष्टावक्र प्राचीन काल के एक प्रसिद्ध और तेजस्वी मुनि थे। उन्हें महान ज्ञानियों में गिना जाता है। कहते हैं कि अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसीलिए उन्हें लोग अष्टावक्र के नाम से संबोधित करने लगे। और हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का शरीर 8 जगहों से 8 उसके अंग यदि दिव्यांग हों, तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि शायद उसकी क्या स्थिति होगी। वो व्यक्ति कैसे चलता होगा, कैसे वो अपना जीवन निर्वहन करता होगा। लेकिन वो बहुत एक तेजस्वी और महान ज्ञानी बने हुए हैं। एक मैं आप सबके साथ में एक संस्मरण साझा करना चाहता हूँ, अष्टावक्र मुनि के का एक संस्मरण। कहा जाता है कि एक बार मिथिला नरेश राजा जनक ने मुनि अष्टावक्र को अपने दरबार में आमंत्रित किया और ये कहा कि मुनिवर, आप आइए मेरे दरबार में, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हमारे यहाँ पर भी जो है वो सभा में विद्वान मिलेंगे, कलाकार मिलेंगे और सभी प्रकार के व्यक्ति होंगे, वो सब आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आपका उपदेश भी सुनना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके निमंत्रण को स्वीकार कर मुनि अष्टावक्र उनके दरबार में पहुँचते हैं, तो उनका जो पूरा दरबार था वो सभी लोग मुनि अष्टावक्र का उपहास करने लगे, हंस हंस करके खिलखिलाने लगे। उनको ये लग रहा था कि ये व्यक्ति हमें क्या उपदेश देगा, जो जिसका शरीर ही 8 उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति हमें क्या उपदेश। और राजा ने भी, महाराजा जनक ने कैसे व्यक्ति को चुना है कि उसका सम्मानित करने के लिए। सब लोग इस कारण जो थे, पूरा दरबार जो था वो हंसने लगा, उनका उपहास करने लगा। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं मुनि अष्टावक्र, तो महाराजा जनक ने उनका स्वागत किया
और स्वागत करते हुए उनको आसन पर बिठाने के लिए जब ले जाने लगे तो अष्टावक्र ने तुरंत कहा कि महाराज, आपने तो कहा था कि आपकी सभा में विद्वान व्यक्ति होंगे, कलाकार होंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ लगता है कि इस पूरी सभा में सभी लोग जो हैं वो कलाकार नहीं है बल्कि चर्मकार है। चर्मकार अर्थात जो चमड़ी को केवल पहचानते हैं, चमड़ी की सुंदरता को पहचानते हैं, शरीर की जो जिसका हृष्ट पृष्ट सौंदर्य में जिसका शरीर हो उसकी ये लोग पूजा करते हैं, ये शायद ये चमड़ी को पहचानते हैं, इसलिए मेरी दृष्टि में ये आपकी सभा में जितने लोग उपहास कर रहे हैं वो मेरा उपहास नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना उपहास कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको कलाकार नहीं बल्कि चर्मकार कहा। और इसके पश्चात हम कल्पना कर सकते हैं उस मुनि के का उपदेश जो सुना, और ऐसा कहा जाता है कि शायद उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था राजा जनक के दरबार में उसमें सभी विद्वानों को उन्होंने परास्त किया और अंत में विजय होकर के उनका पूरा पूरा सम्मान किया गया। तो ये बात केवल मैंने एक ये अपनी भारतीय परंपरा का एक जो जिक्र है उसका मैंने आपके साथ साझा किया, और मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, उसकी प्रतिभा को पहचानना ये समाज का काम है, और मुझे लगता है कि जो दिव्यांग जन होते हैं उसमें शायद ईश्वर कहीं ना कहीं, ईश्वर ने कितनी सबके साथ एक जिसको हम कहते हैं न्याय किया है, जो व्यक्ति दिव्यांग होगा आप देखोगे उसमें कोई ना कोई एक ऐसी विशेषता जरूर होगी कि जिसके हम सब लोग कायल हो जाते हैं, हम सब लोग कायल। कहा जाता है कि अष्टावक्र ने अपने ज्ञान के बल पर संपूर्ण मानव जगत को एक बहुमूल्य जीवन दर्शन दिया। अष्टावक्र ऋषि के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता और अष्टावक्र संहिता है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भाई और बहनों, किसी दिव्यांग का मूल्यांकन उसकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमता, उसके विवेक और उसके साहस से होनी चाहिए। और आज जो मुझे लगा कि जो भी दिव्यांग जन जिनको हमने पुरस्कार दिया कितना हौसला था, और मुझे लगता है कि शायद कितना उत्साह उनमें था, ये उत्साह जो सामान्य व्यक्ति हमारे और आप जैसे हैं उसमें उतना उत्साह नहीं दिखता जितना उत्साह उनमें था, और ये उत्साह ही उनको जिंदगी में न जाने कौन कौन सी उनको अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं। हमारा यही दृष्टिकोण दिव्यांगों की वास्तविक प्रतिभा को सामने लाने में सहायक सिद्ध होगा। अष्टावक्र ऋषि या स्टीफन हॉकिंस का जीवन हमें एक महान संदेश देता है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं बल्कि उसी की विशेषता हो सकती है। इसलिए व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य या उसकी आकर्षक शारीरिक बनावट या रंग रूप को महत्व न देकर उसके ज्ञान, विवेक, हिम्मत और उसके कौशल के आधार पर उसकी महानता देखनी चाहिए। दिव्यांगजनों के अदम्य साहस के दुनिया में कई और भी उदाहरण हैं। जन्म से ही दिव्यांग रॉबर्ट हंसेल ने व्हील चेयर प्रतियोगिता में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनके प्रयासों से उस वैगो न्यूयॉर्क की सरकार ने प्रत्येक वर्ष 1-7 अक्टूबर को दिव्यांग जनों को समर्पित किया है, जिसे बियॉन्ड लिमिटेशंस वीक कहा जाता है। रॉबर्ट हंसेल ने बहुत सुंदर कहा था कि मैं विकलांग हूँ ये सही है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए आपसे थोड़ा अलग रास्ता लेना पड़ेगा। मित्रों, चेन्नई की टिफनी बराड हम सभी के लिए एक उदाहरण है। वो बचपन से 100% दिव्यांग होने के बावजूद भी पढ़ाई के साथ साथ पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, साइकिलिंग, रस्सी चढ़ाई और अन्य साहसिक खेलों में भाग लेती रही है। टिफनी बराड बचपन में ही कई भारतीय भाषाओं की जानकार बन गई। अब वे विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़कर सेवा कार्य भी कर रही हैं। टिफनी अब दुनिया भर में दिव्यांगजनों के लिए
विशेष शिक्षा पद्धति पर कार्य कर रही है। भारत की यह साहसिक बेटी आज दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गई। और आज तो हम लोगों ने आप सबके बीच में ना जाने कितने रोल मॉडल्स अपने सामने आए, उनको हम सब लोगों ने पुरस्कृत किया है। बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि जितने भी रोल मॉडल्स थे, सबसे मैं पूछता था कि इस काम को आगे बढ़ाओगे, बड़े उत्साह के साथ हम इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। पैरा ओलंपिक में पदक विजेता देवेंद्र सिंह झांझरिया, के एम मरियप्पन, दीपा मलिक और वरुण मलिक दूसरे दिव्यांगजनों के लिए भी आदर्श हैं। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के विश्व स्तर पर बेहतर प्रदर्शन से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए इन सभी के अदम्य साहस की भावना की मैं सराहना करता हूं। एक उत्तर प्रदेश की अरुणिमा सिन्हा, उसका भी नाम सब लोग जानते होंगे, वो भी एक आदर्श है। एक अत्यंत मार्मिक ट्रेन दुर्घटना में अरुणिमा को अपना एक पैर गंवाना पड़ा, परंतु जीवन में उसने हार नहीं मानी। गंभीर दुर्घटना से लड़कर अदम्य साहस के साथ अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट समेत कई पर्वत श्रेणियों की ऊंची चोटियों को भी फतेह किया। अभी हम सब लोग जिनके हाथ पैर, जो हम लोग अपने को सक्षम कहते हैं, जरा उनसे कहिए कि थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ जाओगे सीढ़ियों पर, कभी किसी फ्लैट की चौथी मंजिल पर जाने में घबराते हैं, लेकिन हम उसकी तुलना में हम ये अगर अरुणिमा सिन्हा की बात करें कि इस बेटी ने एवरेस्ट की चोटी, जिसकी कल्पना करना मतलब सहज नहीं है, वो एवरेस्ट की चोटी को भी उसने फतेह किया। अरुणिमा सिन्हा ने अपने दृढ़ विश्वास से सबके लिए एक मिसाल कायम की है। हमारे संवेदनशील राष्ट्र ने उसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इन रोल मॉडल्स ने गंभीर दिव्यांगताओं के बावजूद हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनके भावी जीवन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इनसे प्रेरणा लेकर अन्य दिव्यांगजन जीवन में और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए साहस के साथ प्रयत्न करते रहेंगे। साथ ही मेरे देशवासी दिव्यांगजनों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ एक समावेशी नए भारत का निर्माण करते रहेंगे। धन्यवाद। जय।